वैसे तो आपने बहुत से शिवालय या मंदिर के दर्शन किए होंगे, पर गुवाहाटी का यह शिवालय पूरे एकमात्र विशेष शिवालय है जो अपनी खास प्राकृतिक भौगोलिक रचनाओं से प्रचलित है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश छेत्री, मेरे नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ले चलूंगा गुवाहाटी में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में बसा हुआ उमानंदा मंदिर। असम में गुवाहाटी शहर के पास से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है यह भगवान शिव का उमानंद शिवालय। उमा मतलब पार्वती और नंद मतलब शिव जी। तो चलिए इसी मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो ये अपना जो फेरी घाट है, लसित घाट है, यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आ जाते हैं। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन जैसे कामाख्या मंदिर दर्शन के बाद यहाँ लोग जैसे 10 या 11 बजे पहुँच जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर जाने के लिए दो सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी है। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट का जो आपको शायद 22 रुपये है, अगर खुद आके यहाँ पर ऑफलाइन करते हो तो उसका भाड़ा है आपका 20 रुपये। तो इतना ये सरकारी बोर्ड है, लेकिन अभी इसका अगर प्राइवेट का बात करोगे तो लगता बहुत ज़्यादा है, उसका 50 से 100 रुपये तक है। तो आप कभी भी अगर आओगे तो यही सरकारी बोर्ड का इस्तेमाल कर लेना, ताकि आपका भाड़ा भी बहुत सस्ता है और बहुत सेफली भी है। तो आप कभी भी अपने फैमिली बच्चों के साथ घुमाने आते हो तो कामाख्या मंदिर के बाद या गुवाहाटी घूमने के बाद उमानंद मंदिर का दर्शन जरूर कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ का व्यूज़ है, कितना सुंदर है ना, देख लो चारों तरफ से नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में देखें छोटे छोटे जो यहाँ पर दुकान भी लोगों ने लगा रखा है, जो कि आपको पानी का हो गया या तामुल पान जो भी हो आपको छोटे छोटे आइटम मिल सकता है, चाय पानी का दुकान भी है यहाँ पर। देखो अभी लोग दूर दूर से आना शुरू कर दिए हैं, बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर, देख लो ये अभी घाट की तरफ हम जा रहे हैं। ये है गुवाहाटी उमानंद फेरी घाट, देखो रिक्शा भी है यहाँ पर। ये हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, देख यहाँ पर कितना बड़े बोट लगे हुए हैं ना। ये हम लोग पहुँच गए, ये आपका ऑनलाइन टिकट का जो है वेबसाइट है, ये ई टिकट। ये हम लोग अभी पहुँच चुके, एंट्री कर चुके हैं, देख लो ये है टिकट। अगर इस टाइप के टिकट काउंटर है यहाँ पर, 20 रुपये लिखा हुआ है ना, ये इनका बेस है। ये लोग दूर दूर से आ चुके हैं। लाइफ जैकेट अपना पहन चुका हूँ, यहाँ का रूल है हर बंदे को लाइफ जैकेट पहनना है। ऐसे तो अंदर के लिए भी केबिन है, देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लो ये कैसा, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए, देखो इस टाइप से आप आराम से बैठ के यहाँ पर रवाना कर दो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो उमानंद मंदिर है कितना दूर है। हाँ, यहाँ को मैं आपको भेज दिखाऊंगा, देख लो ये आगे का ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन यहाँ पर आप धूम है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से फोटो खींच लेते हैं। जब भी लोग आ रहे हैं, ये अपना पायलट जो है, ड्राइवर जो यहाँ से चलाता है, MV वैगनर, देख लो अभी हमारा जो जहाज है स्टार्ट हो चुका है, अभी हम रवाना होंगे वाह उमानंद मंदिर के लिए, है ना। चल चुका है, अभी हम धीरे 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 आगे की तरफ जा रहे हैं ना, ये देख लो। मंदिर है उसमें करीब पहुंच चुके हैं, देखो ये है उसका व्यूज, कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखो वाह। जो हम जो अपने लाइफ जैकेट पहने थे उसको हम खोल के वापस रख देंगे और फ्री होकर यहाँ का मंदिर दर्शन कर लेंगे। देखो जहाँ से लिए थे हम वहीं पर अपना लाइफ है ना, काफ़ी लोग इच्छुक नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पूरा एक्साइटेड है मंदिर दर्शन करने के लिए।
लोग आ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से जो अपना ये बंदा है यहाँ से फूल वगैरह कलेक्ट करना है। यहाँ का आपको लेगा 50 रुपये, दादा 50 टका ना। यहाँ से हमें 50 रुपये करके जो एक प्लेट है यहाँ से कलेक्ट करके लेना है। और आप यहाँ पर काफ़ी दुकान है ऐसा, तो आप यहाँ से आराम से कलेक्ट करें। जूता चप्पल भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये बोला मेरा जूता यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा वो भी है दुकान आपको, जो कि चाय चाय बिस्कुट वगैरह मिल सकता है यहाँ पर। ये देख लो, चाय पानी बिस्कुट जो भी हो यहाँ से आप अपना नाश्ता कर सकते हो। फूल ले लिया, मंदिर की तरफ जा रहा है। देख लो ये सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको। ये देख लो, ये अभी हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाला है। ये फास्ट दरवाजा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यूअर ऑफ लो व्यू। ये थोड़ा हाइट कम है इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ का व्यू, जब प्रांगण पे हम खड़े हैं यहाँ का व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लो ये यहाँ पर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके अंदर जाके पहले यहाँ भगवान का दर्शन, उसके बाद जो उमानंद है वो नीचे है, जो पहाड़ के नीचे है, थोड़ा अंधेरा है वहाँ पर, वहाँ का दर्शन। ये सबसे पहले आपको यहाँ का दर्शन करना है। ये देखो ये गणेश का मंदिर है। ये उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट उमानंद मंदिर, जो पहले गेट है यहाँ पर। मंदिर है ये, दूसरा मंदिर ये, तीसरा मंदिर ये है ना। ये देखो कितना भीड़ है यहाँ। अभी हम चलते हैं दूसरा मंदिर। फोटो ले ले, रुको यहाँ से भेज। देख लो ये फोटो, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। देख लो यहाँ पर हनुमान का मंदिर भी है। आप उमानंद मैया का दर्शन करके आप हनुमान जी का मंदिर भी दर्शन कर सकते हो। देखो ये थोड़ा नीचे है। देखो यहाँ पर काफ़ी लोग अपने अपने जो मंदिर दर्शन करके फोटो वगैरह ले रहे हैं। यहाँ का व्यूज़ काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं आपको उसको भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देख लो ये हनुमान जी का मंदिर है, श्री श्री हनुमान मंदिर, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। देखो चलो मैं आपको यहाँ से नीचे का जो व्यूज़ है वहाँ दिखाता हूँ। जय जय। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, तो अभी हम बोट के लिए चलते हैं। ओके 10:30 का टाइम है, अभी टाइम होने वाला है। तो सारे जो भक्त आए थे उसमें दर्शन कर चुके हैं करीब करीब, तो काफ़ी 3-4 बंदे रुके होंगे, तो अभी हम चलते हैं। रहो वहाँ छोटे छोटे मंदिर का आइटम भी ले सकते हो, जो पूजा के सामान है। देखो तो भुट्टा भी मिल रहा है। वो मैडम पहले आया है, उसका बात आपसे पहले आया है। ये यहाँ पहले, उसके बाद हम लोग देख लो। अभी चलते हम बोट के तरफ। ओके ये था अपना उमानंद मंदिर का दर्शन। ये अभी चलते हैं वापस हम लोग जिस बोट में आए थे उसी में। ओके देख लो ये आ चुके हैं, अभी हम खाली है, 10:30 होने वाला है, तो अभी हम वापस जहाँ थे आए थे उसी में, उसी घाट पे चलते हैं। हमरा ही तो उमानंद है।
व्यूज है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे का व्यूज, ये देख लो अपने गति स्पीड से बढ़ रहा है अपना उमानंदा, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो देख लो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने मंदिर का दर्शन कर चुके हो, इनका टाइम है 10:30 बजे का, 10:30 बजे का अंदर आपको बोट में आना है, जो आया आया, जो नहीं आया आप इधर ही, फिर आपको 11:30 का जो बोट है उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो देखो अभी जो आप देख रहे थे जो हम लोग पहले बहुत भीड़ थे ना, वो भी बिल्कुल खाली है, तो इसलिए आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना ताकि पहुँचते हो। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये था मेरा छोटी सी वीडियो जो उमानंद मंदिर का दर्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।